नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आजकल कुछ धार्मिक अफीमची यह प्रचारित करते हुए पाए जाते हैं कि बुद्ध ने वेदों से ज्ञान प्राप्त किया है। कुछ जड़ बुद्धि तो संस्कृत में कुछ श्लोक भी गपोड़ देते हैं कि इसमें बुद्ध ने वेदों का गुणगान किया हुआ है। कुछ गपोड़ी लाल तो इतनी डींगे हाँकते हैं कि बुद्ध ने वेद न पढ़ा होता तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं होती। वहीं एक दूसरा पक्ष भी है जो यह प्रचारित करता है कि बुद्ध तो वेदों की निंदा करते थे, फिर वह निंदा के कुछ श्लोक आपको सुना देता है। यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरह की बात करने वाले दोनों तरह के लोग सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादी या ब्राह्मणवादी मानसिकता के मानसिक गुलाम सेवक हैं। यहाँ इनका उद्देश्य बुद्ध से वेदों को रिलेट करना नहीं, बल्कि वेद को बुद्ध से पहले स्थापित करना है। अगर आप इस घालमेल को समझ गए तो आप ब्राह्मणवाद की जड़ खोद कर उसे चुटिया पकड़ कर नंगा कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखें। आज वेदों की खाल खींचने से पहले यह क्लियर किया जाएगा कि क्या वाकई में वेद की गपोड़ लीला का बुद्ध से भी कोई रिलेशन है भी या नहीं। एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको भारत का इतिहास जानना है तो आप पुरातात्विक प्रमाणों पर जाएं, शिलालेखों पर जाएं। भारत में सम्यक संस्कृति विद्वता में इतनी धनी थी कि उसने पत्थर पर लकीरें खींच कर अपनी सबूत की गवाही दी है। वो गवाही ऐसी है कि आज 2500 साल बीतने के बाद भी साक्षात ऐसी खड़ी है जैसे कि आज से 100 साल पहले के लोगों के भी उतने सख्त प्रमाण मिलने मुश्किल होते हैं। आप पिछले 72 साल का इतिहास देख लीजिए। जिसकी सरकार आती है वैसा ही इतिहास बदलने लगता है। पता नहीं भारतीयों ने पिछले 72 साल में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीता या महाराणा प्रताप, यह एक अबूझ पहेली बनाकर रख दी गई। तो सोचिए 2500 साल पूर्व के इतिहास को अगर आप कागज पे खोजते हैं तो किस कदर शासक वर्ग ब्राह्मणवादी लोग आपको भ्रमित करते आए होंगे। अगर हम दुनिया की सबसे पुरानी किताब की बात करें तो पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार वह रामायण, महाभारत, वेद या गीता कतई नहीं है, बल्कि वह किताब है विनय समुकस, अलिय वसाड़ी, अनागत भयानी, मुनि गाथा, मुनय सूते, उपतिस पसीने और लाघु लोआदे, और ये सातों सूत बौद्धों के हैं। इन सातों सूतों का नाम सम्राट अशोक के शिलालेख पे मिलता है और यह सम्राट अशोक ने वैराट शिलालेख पे लिखवा रखा है। अगर वेद फेद का तनिक भी रिलेशन बुद्ध से होता तो सम्राट अशोक अपने 84,000 स्तूपों के अलावे जितने भी शिलालेख लिखवाए उस पे कहीं ना कहीं उसका जिक्र जरूर किए होते। लेकिन होता तब तो, जो चीजें पिछले 1000 वर्ष के अंदर में गपोड़ी गई, पिछले 550 सालों के अंदर में लिखी गई, वो चीजें 2500 वर्ष पूर्व कहां से मिलेगी। जो भी ब्राह्मणवादी लोग यह प्रचारित करते हैं कि बुद्ध को ज्ञान वेदों से हुआ था, उनके पास एक फूटी कौड़ी भी प्रमाण नहीं है कि वह इसे प्रमाणित कर सके, सिवाय गप्पेबाजी के। जबकि अगर आप इन्हीं ब्राह्मणवादी लोगों की किताबें उठाकर पढ़ना शुरू करें तो आप पाएंगे कि ब्राह्मणवादी बुद्ध का नाम सुनते ही इन्हें पेट्रोल लग जाती है। ऐसा लगता है जिसने इनकी चुटिया पकड़ी हो और कान के नीचे 2 थप्पड़ लगा दिए हो। बिल्कुल दिमाग झुरझुरी हो जाती है बुद्ध का नाम सुनते ही। ब्राह्मणवादियों ने शंकर दिग्विजय एक किताब लिख रखी है जिसमें इनका कहना है कि 8वीं सदी का कुमारिल भट्ट चैप्टर 1 के 93 और 95 श्लोक में कहता है, राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि हिमालय से लेकर रामेश्वरम तक के सारे भूभाग में जो भी बौद्ध मिले, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, उसे कत्ल कर दो। जो ऐसा नहीं करेगा उसे मैं कत्ल कर दूंगा। कार्तिकेय के अवतार कुमारिल भट्ट की आज्ञा मानकर राजा ने धर्मद्वेषी जैनों को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे तत्वज्ञानी योगी योग के विघ्नों को नष्ट कर देता है। तो यहाँ आप देखते हैं कि ब्राह्मणवादियों ने यह बता रखा है कि कुमारिल भट्ट 8वीं सदी में जैनों और बौद्धों का कत्लेआम करवा रहा था। यह वही कुमारिल भट्ट है जिसके बारे में वेदांग कथांक 73वें एडिशन गीता प्रेस की किताब में लिखा हुआ है कि आचार्य शंकर जब बौद्धों को परास्त करने के लिए दिग्विजय यात्रा में निकले थे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वेदों के प्रकांड विद्वान कुमारिल भट्ट हैं। अतः वे उन्हें
खोजते हुए प्रयाग पहुँचे। उस समय कुमारिल भट्ट प्रयाग में आत्मदाह के लिए बैठे थे। शंकराचार्य ने उन्हें बहुत रोका पर वे नहीं माने। उन्होंने और कहा कि जिन बौद्ध गुरुओं से हमने शिक्षा ली थी, आई रिपीट, कुमारिल भट्ट ने कहा जिन बौद्ध गुरुओं से हमने शिक्षा ली थी उन्हें ही हमने शस्त्रार्थ में परास्त कर दिया, अतः मुझे अत्यंत मानसिक ग्लानी हो रही है। अब जरा सोचिए, जिस कुमारिल भट्ट को शंकराचार्य वेदों का ज्ञाता समझ रहा है, वह बता रहा है कि उसने अपना सारा ज्ञान बौद्धों से लिया हुआ है। अब सोचिए कि कुमारिल भट्ट अगर वेदों का ज्ञाता था तो उसे बौद्धों से कौन सा ज्ञान लेने की जरूरत पड़ गई थी, फिर वेदों में कौन सा ज्ञान था। तो 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध वेदों से ज्ञान ले रहे थे, जब वेदों का एक फूटी कौड़ी तक का प्रमाण नहीं है। रामायण भी बुद्ध को गाली देते हुए उन्हें तथागत बुद्ध नास्तिक चोर दंड समान कहता है। शंकराचार्य शंकर दिग्विजय में भी बौद्धों के कत्लेआम करने के लिए राजा सुगंधवा की मदद लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी ब्राह्मणवादी किताबें हैं वो सारी बौद्धों से दुश्मनी पाल रखी हैं, और दूसरी तरफ कुछ गपोड़ी लाल यह प्रचारित कर रहे हैं कि वो वेदों से ज्ञान लिए थे और वेद का प्रचार करते थे। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। सीधी सी बात है कि 8वीं सदी के बाद जब ब्राह्मणवाद का उदय हुआ, तब उन्होंने सबसे पहले अपने पूर्ववर्ती यानी कि बौद्धों का जो साम्राज्य था, जो विश्वविद्यालय थे, जो ज्ञान विज्ञान का सेंटर था, जो विदेशी भी आकर यहाँ से ज्ञान लेकर जाते थे और भारत को विश्व गुरु बताते थे, उनका इनने कत्लेआम करना शुरू किया और उनको खत्म करना शुरू किया। यही कारण है कि 8वीं सदी के पूर्व जितने भी विदेशी भारत में आए उनने सिर्फ और सिर्फ बौद्धों का ही गुणगान किया। उन्हें न वेद मिला न फेद मिला, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बौद्ध ग्रंथ ही मिले, बौद्धों का ही ज्ञान विज्ञान मिला। वेद होता उससे पहले तब तो मिलता। एक पल के लिए यह मान भी लिया जाए कि चलो वेद कहीं से भी टपक गया, आसमान से टपका, खजूर पे लटका और किसी तरह 2500 साल पहले भी लटक के पहुंच गया, तो सवाल यह उठता है कि संस्कृत जब आम जन की भाषा नहीं थी तो उस समय उसका भाष्यकर्ता कौन था। आज हम सभी जानते हैं कि संस्कृत ग्रंथों का भाष्य हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, अन्य भाषाओं में होता है। पाली ग्रंथों का भाष्य संस्कृत में हुआ, हिंदी में हुआ, तो फिर संस्कृत का भाष्य पाली में क्यों नहीं हुआ, और अगर हुआ तो मुझे बताया जाए कि वह कौन भाष्यकर्ता था जिसने 2500 साल पहले संस्कृत के वेदों का भाष्य पाली में किया था। ये समस्त गपोड़ी लालों को चैलेंज है मेरा कि नाम गिना कर बताए वो कौन कौन से भाष्यकर्ता थे, उसके पूरे उत्खनन प्रमाण दिखाएं, कौन से शिलालेख पे वह भाष्य मिला है या किस समकालीन नोट्स में मिला है। आज तक ये जितने भी गपोड़ी लाल रहे हैं वेदों के भाष्यकर्ता, इनका प्रथम नाम ही 12वीं सदी से आता है, और जो भाष्य इनने किया है वह भी संस्कृत में ही किया। आप इसी से समझ जाइए कि संस्कृत का वेद का पहला भाष्यकर्ता 12वीं सदी में उवट और महिधर है, और वो भी संस्कृत में भाष्य कर रहा है, और संस्कृत आम जन की भाषा भी नहीं है, तो फिर भाष्य किसके लिए कर रहा है, किसको मूर्ख बनाया जा रहा है। सीधी सी बात है कि ये भी भाष्य उससे भी बाद में किए गए हैं और उनके नाम पर चढ़ा दिया गया है, क्योंकि भाष्य हमेशा ही कॉमन लैंग्वेज में किया जाता है। जैसे आज की जनभाषा हिंदी है तो संस्कृत का भाष्य हिंदी में होगा ताकि सभी लोग जान सके, पाली का भी भाष्य हिंदी में होगा ताकि सभी लोग जान सके, लेकिन इतिहास गवाह है कि पाली का भाष्य संस्कृत में हुआ लेकिन संस्कृत का भाष्य पाली में नहीं हुआ है। अगर आपने इस घालमेल को पकड़ लिया तो समझिए कि आप ब्राह्मणवाद के चंगुल में कभी नहीं फंस पाएंगे, और जिन लोगों ने इस घालमेल को नहीं पकड़ा है वही उनके गुदड़जाल में फंसे हुए हैं। इस बात को बहुत ही गंभीरता से आपको समझना होगा कि आज भारत के तमाम स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, फिर भी वेद बिना भाष्य के कोई नहीं समझ पाता है, तो फिर 2500 वर्ष पूर्व किसने वेद का भाष्य बुद्ध को पढ़ाया था। इस वीडियो के अंत में मैं तमाम सवाल देने वाला हूँ, और समस्त गपोड़ी लालों को चैलेंज है कि उन सवालों का जवाब देकर साबित करें कि बुद्ध के समय में वेद था। दरअसल वेद में इतनी घटिया वाहियात और जाहिलियत भरी पड़ी है कि बुद्ध
बुद्ध क्या कोई सामान्य इंसान भी उसका प्रचार प्रसार किया उसे कूड़े में डालना पसंद करेगा। 8वीं सदी के बाद जब बौद्ध दर्शन का ब्राह्मणवाद ने पूरी तरह खात्मा करने की सोची, तब इन गपोड़ी लालों ने संस्कृत में नैन मटक्के गाली गलौज व्यभिचार बलात्कार हरामखोरी कुछ भी गपोड़ते गए और इसी को इकट्ठा करके वेद का नाम दे दिए। भाषा उनने संस्कृत और लिपि देवनागरी रखी और यह काम हुआ था 12वीं सदी के बाद। कारण था कि आम जनता इस गपोड़ लीला को समझ ही न पाए क्योंकि वह बौद्ध दर्शन से पूरी तरह वाकिफ थी। अगर वेद उसी समय पाली भाषा में होता तो आम जनता तुरंत ही बता देती कि तुम लोग महामूर्ख गधे हो। इसीलिए जानबूझकर जो धम्म लिपि थी उसको पूरी तरह मिटाया गया, बौद्धों को पूरी तरह खात्मा किया गया और बौद्धों की पूरी तरह से कॉपी की गई उनके शब्दों पे, उनके ग्रंथों पे, उनकी हर एक डेट्स पे और कुछ का ब्राह्मणीकरण भी किया गया। बौद्धों का जो मेन ग्रंथ है वह त्रिपिटक कहा जाता है, उसी की तर्ज पे ब्राह्मणवाद ने त्रिवेद बना दिए। यहाँ त्रिवेद का मतलब तीन वेद है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, वेद तो चार होते हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए, जो सबसे पुराना ग्रंथ बोलता है उसमें वेद तीन ही है। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद ही मनुस्मृति उठा लीजिए। उसके चैप्टर 1 के 23 श्लोक में लिखा है, ब्रह्मा ने यज्ञादि करने के लिए अग्नि वायु और सूर्य से सनातन नित्य ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को दोहन करके प्रकट किया। अब देखिए, इसमें अथर्ववेद का नाम ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मनुस्मृति का लेखक अथर्ववेद का नाम लिखना भूल गया हो, तो यहाँ पे आप गलत हैं, क्योंकि मनुस्मृति के द्वितीय चैप्टर के 26 श्लोक को भी देखें, उसमें लिखा है, ब्रह्मा ने अकार उकार और मकार तथा भ्रुवः स्वः इन तीन व्याहृतियों को तीन वेदों से निकाला है। देखा आपने, यहाँ पे फिर से तीन वेद का ही नाम आया। अभी भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसी का अगला श्लोक 77 भी देख लीजिए, उसमें लिखा है, परमेष्टि ब्रह्मा ने तीनों वेदों से क्रमशः सावित्री के एक एक पाद करके तीन पाद को निकाला। यहाँ भी ब्रह्मा तीन ही वेद की बात कर रहा है, मतलब ब्रह्मा को भी नहीं पता है कि चौथा वेद है। अब सोचिए, ब्रह्मा को भी नहीं पता है और आपको पता है, तो इसी से समझ लीजिए वेदों की रचना कब हुई है। चलिए, आप ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति मिलावटी होगा। तो भाई साहब, तैत्रीय ब्राह्मण के 3rd मंडल 12th सूक्त के 9 मंत्र को देख लीजिए, उसमें भी तीन ही वेद का नाम है। कहता है, वैश्य ऋग्वेद से जन्मे, क्षत्रिय यजुर्वेद से और ब्राह्मण सामवेद से। अर्थात वैश्यों का ऋग्वेद है, क्षत्रियों का यजुर्वेद है और ब्राह्मणों का सामवेद। ये भी अथर्ववेद बताना भूल गया। अब आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कि इन सब श्लोकों में अथर्ववेद की जरूरत ही नहीं हो, तो भाई साहब आप वेतांग कथांग पढ़ लीजिए गीता प्रेस की। उसके 73वें एडिशन में साफ साफ लिखा है, सुन लीजिए, दोनों मान्यताएं प्रचलित हैं, अतः कुछ तीन तो कुछ चार वेद मानते हैं। वस्तुतः रचना वेद अर्थात गद्य पद एवं गान रूप के कारण वेद तीन माने गए हैं। देखा आपने, वेद तीन माने गए हैं और कुछ लोग चार मानते हैं, और आपने देखा पुरानी जितनी किताबें हैं उसमें तीन ही माना गया है। यानी चौथे वेद की उत्पत्ति आपके आंख के सामने ही कर दी गई है और उसी तरह इन तीन वेदों की उत्पत्ति बौद्धों की समाप्ति के बाद कर दी गई थी और तब आप अशिक्षित थे, आपको पता भी नहीं चला। पीढ़ी दर पीढ़ी, दो चार पीढ़ी बाद तो लोग कहानी भी भूल जाते हैं। अब पूरा तत्व की दृष्टि से देखिएगा तो कुछ लोग बताएंगे कि नहीं नहीं, ऋग्वेद सबसे पुराना है और उसी का एक पन्ना मिला है भोजपत्र का 1464 AD का, यानी 550 साल से भी कम पुराना। तो सोचिए, ऋग्वेद अगर 550 साल से भी कम पुराना है तो बाकी के जो दो वेद हैं वो कब लिखे गए, और तैत्रीय ब्राह्मण और मनुस्मृति कब लिखी गई, और चौथा वेद फिर कब लिखा गया। आप हराम खोरी ठगी धूर्तता को पहचानना सीखें, और इसके लिए जरूरी है कि पुरातात्विक प्रमाणों की तरफ जाएं, क्योंकि पुरातात्विक प्रमाण उन्हीं के मिलते हैं जिनका कभी साम्राज्य रहा हो, जो कभी अस्तित्व में रहे हो। जो सिर्फ कागज पे घोटाले किए गए हैं उसका कभी जमीन पे प्रमाण नहीं मिलेगा, सिर्फ कागज पे ही घोटाला होगा और वहीं से वो बाईपास हो जाएगा। ब्राह्मणवाद यही है, सिर्फ कागज पे 19वीं 20वीं सदी में
गपोड़ी गई और आपको बताई गई कि भाई ये 3000 साल पुराना है, 4000 साल पुराना है और बुद्ध से पहले का है। और जाते जाते मैं अपने एक सब्सक्राइबर का यहाँ कोट दोहराना चाहता हूँ, जिनका कहना है अगर बुद्ध के समय में वेद होते तो वैद्य भी वेद को बुद्ध से नहीं बचा पाते। और उनकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि बुद्ध की छवि जो पुरातत्व से सम्राट अशोक के शिलालेखों से सामने आई है, उससे यह पता चलता है कि दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अंधविश्वासियों के सर्जन बुद्ध थे। उनका नाम सुनते ही हरामखोरों की, अंधविश्वासियों की पेट्रोल छूटने लगती है। अगर उनके समय में वेद होता तो उसकी जड़ें उसी समय वो खोद दिए होते, और उनके समय में अगर ब्राह्मण नस्ल का कोई प्राणी होता तो उसी समय वो उसकी ऐसी नसबंदी करके गए होते कि ये 33 करोड़ देवता जो पिछले 500 साल में 1000 साल के अंदर पैदा किए गए हैं, ये कभी पैदा भी नहीं हो पाते। कभी वो नस्ल सोच भी नहीं पाती कि देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश नाम की भी कोई प्रजाति भविष्य में उसे पैदा करना है। बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है, वो भारत की संस्कृति है, पाखंडियों की, अंधविश्वासियों की और हरामखोरों की नैनो सर्जरी का नाम है। नेक्स्ट पार्ट में मैं वेद किस कदर जाहिलियत, हरामखोरी, हवस, ठरकपन, व्यभिचार की बातें करता है, उसको पूरे सबूतों और तथ्यों के साथ लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी भारतीयों को सच्चाई पता लग सके। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।